मुझे ज्यादातर कमेंट्स यही आते हैं कि सक्यूलेंस खराब हो रहे हैं। सब कुछ आपने सही किए, पानी भी कम डाले, फिर भी सक्यूलेंस खराब होते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, बिलीव मी, इट हैपेंड विद मी एज वेल। एट द वेरी बिगिनिंग ऑल माई सक्यूलेंट डाइट ड्यू टू माई लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। और प्लांट्स खराब होने से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक तो सक्यूलेंस बहुत महंगे आते हैं, ऊपर से किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम जो एनर्जी एंड एफर्ट्स देते हैं वो भी वेस्ट होता है। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू सो दैट मैंने जो गलती की है वो सेम मिस्टेक्स आप ना करें। विथ टाइम आई हैव रियलाइज दैट चॉइस ऑफ सक्यूलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा देश ट्रॉपिकल है और जनरली इन मोस्ट ऑफ द पार्ट टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, स्पेशली इन समर। तो मैं हमेशा ऐसे सक्यूलेंट सिलेक्ट करती हूँ जो कि बहुत हार्डी होते हैं एंड जिसे मैं समर की ऑलमोस्ट 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी इजीली ग्रो करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन सी सक्यूलेंट है जिसे हम समर में भी इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो इस प्लांट को अपनी कलेक्शन में जरूर ऐड कीजिए। हाउ टू केयर फॉर कलंचो फेडशेन कोई वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। एलिफेंट बुश, इसे बहुत लोग जेड प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट को हम आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हार्ड प्लांट है। Sansevierias are very hard to kill. ये एक बिगिनर प्लांट है, इसे आप इंडोर आउटडोर कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक से दो, दो से चार बहुत इजीली प्रोपागेट होते रहते हैं और आप इन्हें पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ऐसे और भी एलोज, हावर्थियन, सक्यूलेंस हैं जिसे ग्रो करना बहुत इजी है और जो बहुत हार्डी है। तो मैं कोशिश करूंगी एक और वीडियो अलग से देने की। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।